अभी हम लोग यहाँ पे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर 6 से ऊपर है और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद चंद्रावल और ओखला तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है अंदर मशीनों में घुस गया है और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा ये काफी ज्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे ट्यूबवेल्स चलते थे वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फिलहाल बंद हो गए हैं उनका भी पानी कम हो गया है तो एक दो दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट जो बंद किया जिन्होंने आपने बताया इससे जो दिल्लीवासी है दिल्ली की जनता है उनको कितनी परेशानी होगी सर? मैंने बताया कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक कल मुझे उम्मीद है कि कल तक कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे काफी कर पाएंगे कल शाम तक शुरू कर पाएंगे क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा ड्राई करना पड़ेगा उसकी सारी तैयारी है जैसी पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ होगी जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। वाटर फ्लोइंग काफी हो रहा है और सड़कों तक पानी पहुंच गया है जिससे दिल्लीवासियों काफी वो कल ही मैंने बता दिया था जो हमारे पास रिपोर्ट सारी थी कि पानी काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज अफेक्टेड है वहां पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखिए जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं CWC के वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा।